हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 8th स्टूडेंट 2022 की। अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो तो क्या आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, बात करेंगे आज की वीडियो में। और बात करेंगे आज की वीडियो में मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है जिसकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, कैसे आपको स्टडी करनी है, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंटरव्यू टाइम को स्टार्ट करते हैं आज का टाइम टेबल। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आपको जितना हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करनी है। क्यों उठना है आपको जल्दी? ताकि आप अपने सारे काम जल्दी से जल्दी कर पाओ। और तो आपको सुबह 5:30 बजे उठ जाना है, 5:30 पर आप उठ जाएंगे। उठने के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, शावर लेना है, जो भी आपके एसेंशियल वर्क्स होते हैं आपको वो कर लेने हैं इस आधे घंटे के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 बज जाएंगे 6 बजे आपको अपना रिविजन करना है, जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा था स्कूल में, ट्यूशन में या घर पर, जहां भी आपने पढ़ा था आपको उसको रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि जब आप स्कूल जाओगे तो आपको वो चीज याद होनी चाहिए जो आपने लास्ट डे पढ़ी थी, ताकि आप उसके आंसर दे पाओ और आपकी अच्छी इमेज बन पाए, आप एक अच्छे स्टूडेंट अपने क्लास के बन पाओ। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको ये रिवीजन करना है एक घंटे के अंदर। उसके बाद 7 बजे आप रेडी होंगे स्कूल के लिए। इस टाइम पर आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, स्कूल के लिए रेडी भी होना है। 8 बजे का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्कूल टाइम होते हैं, तो आपका 8 बजे स्कूल टाइम होगा। तो 8 बजे से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे तक आपका ये स्कूल टाइम है। आप स्कूल जाएंगे और स्कूल में मन लगाकर पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर को फोकस के साथ अटेंड करेंगे, मस्ती थोड़ी कम करेंगे बट थोड़ी कम करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी स्टडी को ही देंगे। उसके बाद आप 2 बजे घर आएंगे। उसके बाद आप 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये आपका लंच टाइम, एंड इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद 3 से लेकर 4 बजे तक आपका ये होमवर्क टाइम होगा, आप इस टाइम होमवर्क करेंगे। अब आपको जो भी होमवर्क मिला है आप इस टाइम पर उसको कंप्लीट करेंगे, भले वो कम हो या ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करता, बट आप इस टाइम पर अपना होमवर्क करेंगे। अगर होमवर्क ज़्यादा है तो आप थोड़ा टाइम इंक्रीज कर लेंगे, अगर कम है तो होमवर्क जब कम टाइम में हो जाएगा तो आप बाकी टाइम में स्टडी करेंगे। उसके बाद 4 बजे आपका स्नैक्स टाइम होगा, स्नैक्स खाएंगे आप आधे घंटे के अंदर। उसके बाद 4:30 बजे आपका ट्यूशन टाइम होगा। अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं तो आपको ट्यूशन ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए घर पर बैठ के, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक का 2 घंटे का टाइम आपका ट्यूशन टाइम होगा। और अगर ट्यूशन नहीं है आपकी तो ये इस टाइम आप घर पर बैठकर पढ़ेंगे। अगर आप घर पर बैठ के पढ़ेंगे तो क्या करेंगे आप घर पे ऑनलाइन साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे। आप डे शिफ्ट करेंगे कि आज आपने साइंस और मैथ्स पढ़ी, कल आप सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट डे आप शिफ्टिंग ऐसे करते रहेंगे, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे। तो ये आपका 2 घंटे का टाइम जो है आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, आपको रोज करनी है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद 6:30 के बाद आपका ये थोड़ा फ्री टाइम होगा। आप इस टाइम थोड़ा बहुत घर में अपने अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, जो भी आपको करने होते हैं, जो भी आप नई अपनी चीज़ें करते हैं, आपको जो भी करने का मन करता है वो आप इस टाइम पर करेंगे इस एक घंटे के अंदर। फिर उसके बाद 7:30 to 8:30 ये आपका डिनर टाइम होगा, प्लस इसके अंदर आप जो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं वो कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपका फ्री टाइम होगा, ये आपका रेस्ट टाइम होगा, जो भी आपने स्टडी करी थी, और जो अगर आप इससे पहले अगर आपने अपने फ्री टाइम में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, कुछ गेम खेला है आपने, तो आप थक गए होंगे, तो आप इस टाइम पर आराम कर सकते हो। उसके बाद 8:30 के बाद ये आपका रीडिंग टाइम है। आप इस टाइम पर कोई भी जो आपका रीडिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश या भी आपके जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं आपके ऑप्शनल्स हैं, आप इस टाइम पर वो करेंगे। क्योंकि अगर आप रात में कोई भी स्टोरी रीड करते हैं तो वो आपके माइंड पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है, आपको वो एक स्टोरी टेलिंग काफ़ी बेनिफिट करती है। तो आप रात में कोई भी स्टोरी रीड कर सकते हैं। अब अदर स्टोरी रीड करने से बेहतर ये है कि आप अपने स्कूल की अपने टेक्स्ट बुक से ही स्टोरीज़ को रीड करेंगे। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम होगा, 8:30 to 10 PM। अब इस टाइम तक आप इसको करेंगे, अगर आपको नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नींद नहीं आती है तो आप नेक्स्ट डे का प्लान कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। सेम टाइम टेबल आपको रखना है और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे पीछे शिफ्ट कर देना, ताकि आप हर दिन कुछ न्यू देखें और आप अपने इस टाइम टेबल से बोर ना हो। उसके बाद 10 बजे आप सो जाएंगे और सुबह आपको अगेन 5:30 बजे उठना है, ताकि आपकी नींद भी पूरी रहे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओ। और जो आप इस टाइम टेबल में बाकी चीज़ें खुद अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके कुछ टाइमिंग मैच नहीं करती हैं तो, और अगर आपको और भी टाइम टेबल चाहिए अदर क्लासेस से रिलेटेड, हॉलीडे से रिलेटेड, या फिर आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।